देखिए, नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सफाई कर्मचारियों का लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज भी जंतर मंतर पर राजस्थान से सफाई कर्मचारी यहां आए हैं और अपनी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रख रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कि समान वेतन का समान वेतन मिलना चाहिए और जिस तरीके से सफाई कर्मचारी गटर में भी सफाई करते हैं और उनकी मौत हो जाती है कई बार ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, जिस तरीके से उनकी मौतें हो जाती है, उन्हें मुआवजा जो दिया जाता है वो बहुत ही नाम मात्र का मुआवजा होता है, वो भी बढ़ाया जाए। इन सभी मांगों को लेकर के सफाई कर्मचारी नई दिल्ली के जंतर मंतर मौजूद है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रेवतमल पवार है, मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ, चूरू डिस्ट्रिक्ट का। आज आप लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, आपकी समस्याएं तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन प्रमुख समस्याएं आप बता दीजिए, क्या आप मांगे रख रहे हैं सर? प्रमुख समस्या ये है, जो मृत कर्मचारी है उनको संतान को नौकरी देने के लिए, ये 3 बच्चों की ये सरकार ने ये अटक लगा रखी है, तो उस मांग को मैं खत्म करने के लिए कभी 3 बच्चे वाली मांग है वो सरकार कैंसिल कर दे और उन बच्चों को नौकरी दी जाए। 3 बच्चों वाली मांग क्या? जैसे मृत कर्मचारी के 3 बच्चों वाली अटैक लगाते हैं नौकरी के अंदर, मृत आश्रय के यहाँ, तो उस उनके क्या ये अटैक लगाते हैं कि 3 आपके 3 बच्चे हैं, उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो हम सरकार से मांग करने के लिए आए हैं कि बच्चा जो 3 रहो या 4 रहो सफाई कर्मचारी को उसकी मृत कर्मचारी की नौकरी दी जाए। गवर्नमेंट ऐसा एक नियम लगा दिया कि भाई 2 बच्चों पे ही नौकरी मिलेगी। अब नौकरी में 2 बच्चे या 3 बच्चे उसमें क्या फर्क पड़ता है? नौकरी को अधिकार तो है ही उसे, क्योंकि मृतक आश्रित है वो, उसके पिता की अनुकंपा नौकरी अगर चाहिए तो उसके लिए 2 बच्चे हटाकर 3 बच्चों हो चाहे 4 बच्चों उसे नौकरी मिलनी चाहिए। और कुछ मांगे आप? और तो जैसा ये पेंशन वगैरह और बाल्मीकि की जयंती में हम शामिल हुए थे कल, और ये राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए समान मुआवजा तो जो मृत कर्मचारी उसको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा चाहते हैं? मुआवजा सरकार उसको बच्चों को नौकरी दे, नहीं नहीं, अगर गटर में उसकी मृत्यु, उसको 1 करोड़ रुपया उसकी होनी चाहिए। जिस तरीके से आज हम सफाई जो हमें रोड पर मिल जाती है, सफाई मिल जाती है, गटर हमें साफ मिलते हैं, कई बार हमारे घर के गटर खराब होते हैं, कई बार हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ये वही कर्मचारी हैं जो हमें इन समस्याओं से निजात करते हैं और आज हम जो है सफाई के वातावरण में रह रहे हैं। तो इनकी भी जायज़ मांगे हैं, सरकार को भी इनकी मांगों को जो है सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं उन्हें फुलफिल करना चाहिए।